अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी, तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। ये हमने कलेजी लिया है, आधा किलो कलेजी है और तीन मीडियम साइज़ की प्याज है, दो तेज़पत्ता है, दो चम्मच दही है, 100 ml मस्टर्ड ऑयल है, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। हमने इसमें हरी मिर्च डाली है, आप हरी मिर्च की जगह पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और 2 tablespoon धनिया पाउडर लिया है, नमक हसब ज़ायका, और इसमें हमने कुछ गरम मसाले लिया है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, थोड़ी सी जायत्री लिया है, लौंग, जायफल, काली मिर्च, लकड़ी का टुकड़ा है ये थोड़ा से ये, और आधा चम्मच हम टीस्पून से हमने ये हल्दी ली है। ये देखिए हमने फ्लेम ऑन कर दिया और कुकर रख दिया। अब इसमें हम तेल डालेंगे। और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे तब इसमें प्याज डालेंगे। अब ये देखिए तेल हो गया है, इसमें से ऐसे धुआं निकल रहा है। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा से लहसुन अदरक डाल देंगे, थोड़ा से डालेंगे इसकी महक खत्म करने के लिए। प्याज डालेंगे, प्याज डाल दिए। अब इसमें तेज पत्ता डालेंगे और ये दालचीनी की लकड़ी डालेंगे। प्याज होने में प्याज में पानी देता है, इसलिए प्याज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें हमें थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए तो प्याज हमें जल्दी हो जाएगी। ये देखिए प्याज अब हल्की हल्की ब्राउन हो गई, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके और कलेजी डालेंगे। इसको चलाएंगे और इसमें कुछ टाइम नमक भी डाल देंगे। हमें नमक डाल दिया है, अब इसको ऐसे चलाएंगे और इसका अभी इसमें लहसुन अदरक डाल के खूब अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। देखिए इस तरह से इसमें पानी छूटता है, ये पानी अब छूट रहा है, इसको हम ऐसे भूनते जाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है उसको डाल डाल के भूनते जाएंगे। पानी जब एकदम से ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तब इसमें हम मसाला डालेंगे। अब देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाल डाल के हमने इसको खूब भूना और इसका पानी एकदम जल चुका है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं इसमें कि जैसे बहुत ज़्यादा मसाले की नहीं खाना, तो अब इसमें आप धनिया ना डालिए। अब ये हो गया, इसमें गर्म मसाला आप डाल दीजिए और दही डाल करके इसको बंद कर दिया, बन गया, उतार दिया। अब ये हम इसे मसालेदार बना रहे हैं, तो अब ये देखिए पानी एकदम इसका जल गया है। अब इसमें हम और मसाले जो है वो ऐड करेंगे। ये हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर और इसको थोड़ा सा चलाएंगे। और ये जो गरम मसाला हमने लिया था उसको ऐसे थोड़ा मोटा मोटा सा हमने कूट लिया, ये देखिए ये इस तरह से। और इसका आप फाइन पेस्ट भी बना के डाल सकती हैं, इसमें ज़्यादा खुशबू आती है। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, अभी देखिए पानी डाल, अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, इसके पहले पानी लेंगे, इसको डालेंगे और इसको बंद करेंगे।
थोड़ा से पकने देंगे। ओके, अब इस पर ढक्कन रख देंगे। और ये दही भी डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ये देखिए, अब ये तेल ऊपर ऊपर आ गया है, ये पक के तैयार हो गई इस तरह की भुनी भुनी इस तरह की। अब ये कलेजी तैयार हो गई, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए कलेजी बनकर तैयार हो गई, इसको हमने डिश आउट कर दिया। इसको इसी तरह भुनी भुनी हमें रखना है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। आपको कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों का, व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब्सक्राइब करते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफज़ाई होती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करिए। लव यू ऑल, थैंक यू।